चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। जज्बातों के सहारे किसी भी मैदान में कोई भी जंग जीती जा सकती है। शायद किसी ने सही कहा है, अगर मेरी उड़ान देखनी है तो आसमान से कहो अपना कद ऊंचा करे। दिल्ली देहात के सुरखपुर की रहने वाली विदिता डागर ने देश की सर्वोच्च परीक्षा में 315 रैंक पाकर दिल्ली का नाम रोशन किया। कौन कहता है कि गांव की असुविधाओं में सफलता की कुंजी नहीं होती। जुनून हो तो असंभव शब्द भी संभव में परिवर्तित हो ही जाता है। अपने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक रखने वाली विदिता डागर नजफगढ़ विधानसभा के सुरखपुर गांव की रहने वाली है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में हुई और उच्च शिक्षा मिरांडा हाउस के कॉलेज में हुई थी। विदिता जानती थी कि संसाधनों को समेटकर सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छुआ जा सकता है। यही कारण रहा कि साक्षात समावेश में अत्यधिक कर गुजरने की दृढ़ इच्छा को उन्होंने अपनी प्रवृत्ति बना लिया और परिणाम स्वरूप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ बेहतरीन स्थान प्राप्त किया। जी, मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी, मेरे सोर्सेज कम रहेंगे। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने सोर्सेज कम से कम रखूँगी एंड आई मेड श्योर कि जितना मैं पढ़ती हूँ वो मुझे याद रहे। मेरी स्ट्रेटजी थी कम लेकिन इतना पढ़ूँ उसे कि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। मैं बहुत खुश हूँ अपने माँ बाप की आँखों में खुशी के आंसू देखना, किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। फ़िलहाल मैं उस खुशी से जी रही हूँ और मैं बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आज इस पोजीशन पे हों जिस पे मैं हूँ। मैं उन्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सभी बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी देंगे, वो मौका देंगे, तो वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबकी मदद करूँ जो भी मेरे पास आए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ पर खड़े हो सकें। यह सच है कि परिणाम बच्चे प्राप्त करते हैं, लेकिन उस परिणाम का सबसे अधिक असर उनके अभिभावकों पर पड़ता है। जिस बच्ची ने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया हो, उन्हीं अभिभावकों के हाथ बंधे हुए हैं और लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आंखों में खुशियों के आंसू थे तो चेहरे पर विधिता की कुशलता की झलक। मैं बहुत हमें बड़ी खुशी है जी कि हमारी बेटी इस पोस्ट तक पहुंची। एक छोटे है गांव में रहते हुए उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, हम बहुत खुश हैं। जिस बिटिया की सफलता पर गांव घर रिश्तेदार अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे, वहीं विदिता की मां को इस बात का सुख था कि विदिता जितनी अच्छी पढ़ने में है उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है और वहीं घर के हर कार्य में भी अपनी कुशल दक्षता देती है। पर मैं जैसे है ना पढ़ाई के कुछ गर्म काम की कहती तो मेरी बेटी हमेशा यही कहती थी, मम्मी आप चिंता मत करो, हम आप कर लेंगे। कुछ मेरी परेशानी हो जाती तो मेरी बेटी सब्जी रोटी सब कुछ काम आराम से कर लेती थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं रहती थी। काम में भी बहुत है, कुछ काम करवा लो मेरी बेटी से। पढ़ाई लिखाई में मस्त है, काम में मस्त है, बोलने में मस्त है। विद्यालय की छात्रा ने ऐसी अभूतपूर्व सफलता हासिल की हो, उस विद्यालय के शिक्षक भला कैसे ना खुश होंगे। और विद्यालय ने भी इस सफलता का श्रेय विदिता को ही दिया। भगवान का आशीर्वाद रहा, शुरू से मैं परमात्मा से एक ही बात मांगता रहा। मैंने इनका स्वास्थ्य के लिए मांगा कि हे परमात्मा इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पढ़ने में इन बच्चों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। क्रेडिट तो टीचर को और स्कूल को जाता ही है, लेकिन सारा का सारा श्रेय मैं विदिता को और इस तरह के बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं मैं उन्हें स्वयं देता हूँ, जिन्होंने एज ए स्टूडेंट नहीं रहे जो स्कूल में हमेशा एक टीचर बन के रहे, क्योंकि मैं इनके नेचर को शुरू से ही जानता था। When she was admitted in class second, तो शुरू से ही उसने एक ऐसा मतलब लीडिंग रोल निभाया क्लास में, और जब टीचर नहीं होता था तो she herself took the book and chalk and blackboard, she started to write that. तब शुरू से मैंने इसमें प्रतिभा नज़र आ रही थी और इस बच्चे में, और समय से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। जब भी स्टेज पे आप कभी भी आपको बहुत बार मुझसे मिलने का और स्टेज प्रोग्राम करने का मौका आपने देखा और मिला भी है, तो हर बार जो मैं कहता था कि बहुत ही नज़दीक समय में स्कूल खेलों के साथ साथ आपको एकेडमी का एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है, वो भी विदिता ही थी। नई दिल्ली से निखिल अनुज के साथ नेहा और साक्षी की रिपोर्ट।
चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।